और ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो रही है हमारी तीज की तैयारी। और यहाँ पे मैंने अपनी ज्वेलरी और बैंगल्स निकाल लिए हैं। आदि अभी लेटा हुआ है तो मुझे लगा सबसे फर्स्टली मैं यही वर्क करती हूँ, और बाकी का वर्क हम करेंगे बाद में। और आपको कैसा लग रहा है प्लीज़, ये कलर कॉम्बिनेशन मैंने थोड़ा कि हाँ अच्छा लगेगा तो देखिए। और ये मेरी काफ़ी पुरानी ज्वेलरी है, मतलब शादी के टाइम की ही है, तो मतलब 11-12 ईयर्स पुरानी है। तो बोलते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, तो आज मुझे इसकी याद आ ही गई फाइनली। और देखिए कैसा लग रहा है, ये इसके साथ में सही जा रहा है ना कंट्रास्ट, तो मैंने ये सोच करके ये कड़े और ये वाली ज्वेलरी निकाली है। मेरी कुर्ती में और साड़ी में थोड़ा इस टाइप का वर्क जाएगा तो डेफ़िनेटली अच्छा लगने वाला है। और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको ये कैसा लग रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और वीडियो की स्टार्टिंग मॉर्निंग से होने जा रही है। हम सब यहाँ पर हैप्पी एंड हेल्दी हैं, आई होप सो आप भी हैप्पी हेल्दी होंगे और अपने डेली रूटीन में लगे हुए होंगे। और आप सभी को हैप्पी तीज टू माई यूट्यूब फैमिली। और मैंने मोस्टली वर्क कर दिया है, अब हम जा रहे हैं आदि को स्कूल लेके। आज थोड़ा लेट हो गए हैं, लेकिन मैंने कॉल कर दी थी कि मैम हमारे यहाँ हरियाली तीज का प्रॉपर बायना निकलता है, तो आदि थोड़ा लेट आता है, तो प्लीज़ कुछ मत बोलिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए वहाँ पर चलते हैं। मैंने जो अभी तक किया है वो आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी, और आगे जो भी होने वाला है मे बी इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए बने रहिएगा, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं अदर एक्टिविटीज़ करते हुए। देख सकते हैं ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, तो मैंने झाड़ू पोछा अच्छे से क्लीन बहुत अच्छे वाला कर लिया है, पूरा अच्छे से नीट एंड क्लीन है। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सूजी मिक्स की है और थोड़ा इसमें डाला है ऑयल, और मैं लगा रही हूँ ये पूरी का आटा। साथ में मैंने अरबी और आलू रखे हुए हैं बॉयल होने। सुबह इतनी फास्ट क्यों चल रही हूँ, क्योंकि इन्हें जाना है स्कूल, आदि को भी स्कूल जाना है, और आज है हरियाली तीज। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और किस किस के यहाँ पे हरियाली तीज सेलिब्रेट होती है प्लीज़ बताइएगा। और टाइम में भी अभी हुआ है, अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो मैं आप सबको बताती हूँ अभी टाइम हुए हैं 5:50 भी नहीं हुए हैं। और मैं ये आटा लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ूंगी, और फिर मैं अपने लिए जो भी आज मुझे अभी कपड़े पहनने हैं, ग्रीन कलर ही पहनना है ना, वो निकालूंगी, मतलब जो अभी घर में पहनने हैं। आदि को जब स्कूल छोड़ने जाऊंगी तब मैं कुछ और पहनूंगी, क्योंकि किचन में अभी हालत ख़राब होनी है। तो और कौन कौन मेरे जैसे ग्रीन कलर पहनने वाले हैं या क्या कुछ करने वाले हैं प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मेरे यहाँ कैसे हरियाली तीज होती है मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, बने रहिएगा, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। देखिए मैंने तैयारी कर ली है आलू टमाटर की, तो मैंने टमाटर को कद्दूकस किया है, इसी में हरी मिर्च कट कर ली है, सारे मसाले मैंने हल्दी सौंफ धनिया पाउडर देगी मिर्च नमक हींग सब कुछ ऐड कर दिया है। कुकर में ऑयल डाल के डाल दिया है जीरा, और आलू को बॉईल करने के बाद हाथ से कुछ ऐसे तोड़ लिया है। और ये वाली सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है आलू टमाटर की, ट्राई कीजिएगा। और अरबी अभी मैंने छील के रखी हुई है, उन्हें भी मुझे फ्राई करना है, तो देर ना करते हुए जल्दी जल्दी अब हम इसमें डाल देते हैं ये टमाटर। वैसे तो बहुत इजी है, और हाँ मैं बोल रही थी जिस ऐसे तो बहुत इजी है, लेकिन कि आलू टमाटर और अरबी ही तो बननी है, नॉर्मली घर में बनती हैं, लेकिन मुझे टाइम मैनेजमेंट भी करना है, टाइम से इन्हें लंच बॉक्स भी देना है और इन्हें टाइम पे स्कूल अटेंड करना है। तो उसके लिए मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कैसे करें और क्या कुछ हो सकता है। और साथ ही मैं आपको दिखा देती हूँ मेरी बैंगल्स, जो कि मैं पहन चुकी थी, क्योंकि आज वेनसडे है तो नहीं पहननी थी। और ऐसे मेरी मेहंदी है कुछ, ये मेरी चूड़ी है, कैसी लग रही है प्लीज़ बताइएगा। और फेस्टिवल्स की एक अलग ही बात होती है, और मैंने नाइट में उतार दिया था, अब
अपनी रिंग को, क्योंकि मैं बिल्कुल पहन के नहीं देख पा रही हूँ कुछ भी ऐसे। तो चलिए बने रही है, जैसे ही प्यूरी ऑयल छोड़ती है हम इसमें ऐड कर देंगे ये आलू और पानी, और फिर लगाएंगे सिम करके बन बेसन। हमारी आलू टमाटर की सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। एक से दो सीट लगाएं और हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है प्यूरी ने, देखिए। और ये देखिए यहाँ पे मैंने आलू वगैरह सब ऐड कर दिए हैं, और अब भी तो कलर बड़ा फाइन आ रहा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, और बस अब हम इसमें लगा देते हैं टू विसल। और मैंने कुकर की लीड लगा दी है, अभी इसको छोड़ देते हैं विसल आने के लिए, और हम चलते हैं अरबी छीलने के लिए। ये देखिए यहाँ पर मैंने अरबी को भी रेडी कर दिया है, छीलने के बाद उन्हें कट कर लिया। हरी मिर्च, देगी मिर्च और धनिया पाउडर, ये सब और नमक मैंने इसमें ऐड किया है। यहाँ पर मैंने हींग और अजवाइन डालकर फ्राई करने के लिए पैन में रेडी कर लिया है। साइड में डाल दी है हल्दी, और अब मैं गैस को कर देती हूँ थोड़ा सिम, क्योंकि ये मसाले और अरबी को अच्छे से रोस्ट करना है इसमें। तो आप कैसे बनाते हैं प्लीज़ बताइएगा। वैसे बेसन ऐड करके भी बनाते हैं, लेकिन आज मैं जल्दी में हूँ तो बेसन ऐड नहीं कर रही हूँ। और ये देखिए यहाँ पर अरबी भी रेडी हो चुकी है। चलिए बस अब इसमें ऐड करना है हल्का सा मैगी मसाला, और आलू टमाटर में भी और अरबी में भी, और हमारी अरबी और आलू टमाटर है सर्व करने के लिए रेडी। तो चल के बनाते हैं पूरी। देखिए हम लास्ट फॉर्म पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे मैंने प्लेट लगाकर रेडी कर दी है। यहाँ पे मैं पूरियाँ बना रही हूँ, और मैंने गाय की पूरी ऑलरेडी निकाल दी है, और एक एक पूरी के अकॉर्डिंग ही मैंने ऑयल को रखा है कि हाँ एक एक पूरी बन जाए। तो चलिए अभी पूरी रेडी करके थाली लगाते हैं, और पूजा की प्रॉपर तैयारी करके हम आपसे मिलते हैं। ये देखिए मैंने पूरी पूजा की तैयारी कर ली है। तो ये शिव परिवार है जो मंगला गौरी पे मैं चौकी पे बिठाती हूँ वही है, और यहाँ पर जोत जला के पूरा प्रॉपर खाना वगैरह सब कुछ। और रियली सॉरी, मैं वो पॉलीथीन पहले ही उठा चुकी हूँ जो मैंने रखी है एक्स्ट्रा सामान की, तो मैं लास्ट में ले रही हूँ। तो चलिए कुछ ऐसे कि हमने अपनी हरियाली तीज की पूजा और माता रानी सबकी सभी विशेष पूरी करें। इसके साथ ही मेरी सुबह से जो मैं अर्ली मॉर्निंग से लगी हूँ वो मेहनत हुई है वसूल। टाइम से मैंने पूजा कर ली, अब मैं इनको कराती हूँ नाश्ता। यहाँ पर हम आ चुके हैं आदि को लेकर के स्कूल से, और आदि के स्कूल में जितना भी थोड़ा बहुत हुआ है तीज का तो बहुत अच्छे से था। सभी मतलब टीचर्स ग्रीन पहन के आए हुए हैं, मैंने भी साथ में एक दो फोटो लिए हैं, बहुत अच्छा लगा। आदि के साथ भी है एक मैम की बेटी, उनके साथ भी फ़ोटो ली है, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी या थंबनेल पे लूँगी। और अब भी मुझे मैं आपको पहले अपना पूरा प्रॉपर लुक दिखाती हूँ। ये है मेरी कॉटन की प्रिंटेड कुर्ती, लेकिन इसका जो ये नेक है, ये बॉर्डर स्लीव बॉर्डर, इन पे सिल्वर थ्रेड से वर्क हो रखा है, बस ये एकदम सिंपल है। सिफॉन दुपट्टा एंड लेगिंग्स, और साथ में मैंने पेयर किया है ये रूबी का सिल्वर वाला पेंडेंट। ये पेंडेंट मेरी शादी के टाइम का ही है, और ये वाली बैंगल्स ये भी मेरी शादी से ही चली आ रही है, तो अच्छा जा गया है और सबको बहुत पसंद आया। और अभी स्कूल से आने के बाद आदि तो अपना चटर पटर खा रहा है, तो मैंने सोचा पहले आप लोगों से एक बार मिल लेती हूँ। मॉर्निंग में भी इतने अच्छे से कुछ कन्वे नहीं हो पाया था, और अब मुझे बनानी है सिर्फ पूरी, क्योंकि मैं ऑलरेडी पूरा खाना बना कर गई थी। तो आलू टमाटर हैं, साथ में अरबी है, बूंदी का रायता है, और बस पूरी है, घेवर हो जाएगा, और बस इतना ही हुआ है। अगर प्लीज़ एक्स्ट्रा वॉल्यूम आ रही है तो इग्नोर कीजिएगा, आदि ने टीवी ऑन किया हुआ है आते ही। तो चलिए फर्स्टली मैं चेंज करती हूँ, और फिर कढ़ाई रखते हैं और पूरी बनाते हैं।
आप सब कैसे करते हैं हरियाली तीज का फेस्टिवल सेलिब्रेट, प्लीज़ बताइएगा। और हो सका तो फर्स्ट टाइम मैं कहीं हरियाली तीज के फंक्शन में भी जाऊंगी, पॉसिबल हुआ तो मे भी, और अगर जाती हूँ तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आप सब बने रहिएगा जैसे भी होता है, और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। और वंस अगेन हैप्पी तीज टू ऑल माय वाइटी फैमिली। और ये देखिए मैंने पूरी काफ़ी सारी बेल कर रख ली हैं और मैं इन्हें बना रही हूँ। मैं आपको ये दिखाना चाहती थी, मैंने जो हल्के सूजी मिक्स करके आटा लगाया हुआ है तो पूरी कैसे आ रही हैं, जैसे भटूरे बनते हैं, देख सकते हैं आप। और मैंने आटा उठा के मॉर्निंग में रख दिया था बाकी का फ्रिज में, और अब मैंने ये ढेर सारी पूरी बेली हुई है, और अभी कुछ लोई भी बनाई हुई है, और मैं वन बाय वन बनाए जा रही हूँ। और हर पूरी तो फूल रही है देखिए, और साथ ही मतलब अच्छे से देखिए दोनों लेयर अलग अलग होके जा रही हैं। हल्का सा मोइन डाला हुआ है, तो इस तरीके से आटा बनाएं पूरी का, बहुत अच्छी पूरी बनाएंगी बनेंगी आप कभी भी बनाएं। देखिए कितनी सॉफ्ट एकदम, देखिए जिसका ना खाने का मन हो उसका भी मन आ जाए। मैं ये नहीं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, आटा लगाना ही मेन है पूरी के लिए। और मैं जब भी पूरी बनाती हूँ मुझे सृष्टि और दूधू याद आते हैं, दोनों बोलते हैं चाची आपकी पूरी तो ना भटूरे को भी फेल करती है। आज मैं बता रही थी वहाँ पे भी, मतलब किसी के साथ बात कर रही थी तो मैं उन्हें बता रही थी कि मेरी पूरी को वो भटूरे से कंपेयर करते हैं। और अभी बनाएं तो मुझे लगा चलिए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर देती हूँ एक बार। तो देखिए मैंने इसको तो अभी तक कोनी भी नहीं लगाई है, देखिए कितनी अच्छे से बन के आ रही है। तो आइए चलिए आप सब भी लंच कीजिए, अभी मैं तो पूरी बना देती हूँ, आफ्टर दैट मेरा तो वैसे भी फास्ट है, मुझे तो लंच नहीं करना है, इन सबको करा देती हूँ। और ये मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है स्कूल की हरियाली तीज। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।